हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 8th लेसन ऑफ द 5th स्टैंडर्ड ईवीएस पार्ट 1। द लेसन नेम इज द पब्लिक फैसिलिटीज एंड माय स्कूल। ये जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हमारे सोशल लाइफ के लिए यूजफुल है। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखोगे। हम स्टार्ट करते हैं कैन यू टेल से। कहाँ से? कैन यू टेल से। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, आपको उस क्वेश्चंस के क्या करने, आंसर देने। बहुत इजी पार्ट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन भी। तो स्टार्ट करते हैं कैन यू टेल से। विच पब्लिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इनसाइड एंड आउटसाइड यूअर होम। आपके घर के अंदर और घर के बाहर कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज मिलती है? यस, घर के अंदर कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई। और घर के बाहर जाओगे आउटसाइड योर होम तो यहाँ पे आपको क्या, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहाँ पे बस हम यूज करते हैं, बहुत सारे जैसे रोड्स होते हैं, भी क्या पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल है कि जो हम यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फैसिलिटी डू यू यूज। इसमें से कौन कौन सी फैसिलिटीज आप क्या करते हो, यूज करते हो। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो आप क्या करते हो, यूज करते हो। जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, मतलब बस यूज करते हैं, हम पोस्ट ऑफिस यूज करते हैं, हम बैंक यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज है जो आप लोगों ने देखी होगी। ओके, इस बारे में आप क्या कीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बता देंगे। वी ऑल यूज पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। हम सारे के सारे पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक फैसिलिटीज क्या यूज करते हैं। पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटीज मतलब जहाँ पे बैंक होते, पोस्टल ऑफिस, टेलीफोन, फायर ब्रिज, पुलिस, इन सब का क्या करते हैं, ये हमारे लिए पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल करते हैं। लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट। वाटर सप्लाई जो हमारे घर के अंदर आता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दैट मीन सिविल हॉस्पिटल्स होते, एजुकेशन, ये भी क्या है, फ्री। एजुकेशन क्या है, फ्री। एंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट मतलब उसके अंदर क्या आते, बस, रेलवे, मेट्रो, वो सारी क्या आती, सर्विसेस आती, ये सारी पब्लिक सर्विसेज होती। दिस सर्विसेज आर मेन फॉर एवरीवन। ये सर्विसेज सबके लिए होते, जैसे रूल्स आर फॉर एवरीवन, सेम तरीके से जो सर्विसेज है, पब्लिक सर्विस है, ये सबके लिए क्या होती होती है, मतलब किसी के लिए अलग अलग नहीं होती, सबके लिए ये अवेलेबल होती। द सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड देम एंड वी अवर सेल्फ आर ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम खुद और जो सर्विसेज देते और जो ऑर्गेनाइजेशन होते, ये सब क्या एक सिस्टम का पार्ट है। एंड अवर स्कूल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। और हमारी स्कूल भी क्या है, उसका एक पार्ट है। क्या है, हमारी स्कूल भी एक पब्लिक सर्विसेज का क्या पार्ट है। ट्राई दिस दिया गया है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल एट योर स्कूल। हमारे स्कूल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, इसे क्या करना है, आपको टिक मार्क करना है। आप खुद ये बता सकते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज है और नहीं। सफिशिएंट क्लासरूम, उसके बाद देखोगे तो लाइब्रेरी की, जहाँ पे क्या होते अलग अलग बुक्स होते हैं। सफिशिएंट क्लासरूम, उसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी, उसके बाद नेक्स्ट आता है गर्ल्स टॉयलेट अवेलेबल है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल सब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो अवेलेबल है कि नहीं, बॉयज टॉयलेट जो अवेलेबल है कि नहीं, लैबोरेटरी, लैबोरेटरी मतलब जहाँ पे हम क्या करते साइंस एक्सपेरिमेंट करते, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं, हमें क्या करना होता है, चेक कर सकते हो आप लोग, टिक मार्क करना है सिर्फ आपको। उसके बाद स्टडी कॉर्नर की, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टडी कॉर्नर मतलब जहाँ पे बैठ के आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। रैम्प, ओके, जो स्कूल में अवेलेबल होता है, कंप्यूटर क्लास, ओके, रैम्प, कंप्यूटर क्लास, ऐसे बहुत सारी क्या होती स्कूल में फैसिलिटीज होती। उसके बाद प्ले ग्राउंड, खेलने के लिए जगह, मेडिकल फैसिलिटी, मतलब कोई बच्चा बीमार हो जाए, कुछ इंसिडेंट वहाँ पे, एक्सीडेंट वहाँ पे हो स्कूल में, तो कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती। मिड डे मील स्कीम, मतलब जो आपका टिफिन टाइम होता है उसमें मील दिया जाता है, तो वो क्या होता है, मिड डे मील स्कीम। काउंसलिंग सेंटर कि बच्चों और बच्चे और वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनकी बातें चलती रहती है, बच्चों को जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाता है। स्कूल फ्रेंड्स,
कि जो स्कूल के कंपाउंड होते हैं, इंश्योरेंस स्कीम में होती है स्कूल, कुछ कुछ स्कूल में, कि जो एक क्या है फैसिलिटीज है स्कूल में, ठीक है, ये सारी क्या है फैसिलिटीज है स्कूल में, जो अवेलेबल कुछ स्कूल में होती तो कुछ स्कूल में नहीं होती। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज स्कूल में है कि नहीं, आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसी पेज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वेरियस फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू अस इन अवर स्कूल, वेरियस फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू अस इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में अलग अलग फैसिलिटीज हमें क्या की जाती, अवेलेबल की जाती। सिमिलर फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल आउटसाइड द स्कूल, जैसे स्कूल में फैसिलिटीज होती, सेम तरह की फैसिलिटीज कहाँ पे होती, स्कूल के बाहर भी, बस, रेलवे आदि पब्लिक फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सारे क्या है ट्रांसपोर्ट की पब्लिक फैसिलिटीज है। वी ऑल्सो यूज सेवरल अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटी सच एज द पोस्टल सर्विस, मतलब पोस्ट ऑफिस। ओके, उसके बाद टेलीफोन यूज करते हैं, पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं, जो हमारी अमाउंट है उसे हम वहाँ पे क्या करते हैं फिक्स कर सकते हैं। टेलीफोन मतलब जहाँ से हम क्या कर सकते हैं किसी और पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। फायर ब्रिज की जहाँ कभी भी हमें प्रॉब्लम, कुछ इंसिडेंट वहाँ पे हो जाए तो फायर ब्रिज वहाँ पे हमारी पब्लिक सर्विस है जो हमें हेल्प करती है। उसके बाद पुलिस, नेक्स्ट वन पुलिस वहाँ पे, कि जो हमारे मतलब जो सिविल सोशल लाइफ है वहाँ पे पुलिस भी बहुत हेल्प करते। बैंक, थिएटर्स कि जहाँ पे हम मूवी देखने जाते, पार्क्स, गार्डन्स एंड स्विमिंग पूल ऑल्सो, ये सब के सब क्या है वहाँ पे पब्लिक सर्विस है जो हमें अवेलेबल है। वी मस्ट यूज दिस फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबली, जैसे हम उसका यूज करते तो सेम तरीके से उसका वहाँ पे हमने प्रॉपर वे से क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली उसे यूज करना चाहिए, उसे क्लीन रखना चाहिए, जैसे हमारे घर की वो चीजें ऐसे उसे क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, प्रॉपर वे से उसका क्या किया चाहिए, यूज करना चाहिए। अभी हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है उसे देखते हैं। ओके, वी मस्ट यूज दिस फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबली, द स्कूल इज अवर वर्ल्ड आउटसाइड अवर हाउस, हमारे घर के बाहर जो हमारा वर्ल्ड होता है, तो वर्ल्ड कौन सा है, स्कूल मतलब बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं आफ्टर हाउस मतलब हाउस के बाद वो कहाँ पे जाते हैं, ज्यादा स्कूल में जाते हैं, क्या जाते हैं स्कूल में जाते हैं, वो स्कूल क्या एक सिस्टम का पार्ट है, वो ये हमारा एक क्या होम है, सेकेंड होम, क्या सेकेंड होम। वी लाइक अवर स्कूल जस्ट एज वी लाइक अवर होम, जैसे हमारा घर हमें पसंद है सेम तरीके से हमें क्या पसंद है, सेम तरीके से हमें क्या पसंद है, हमारा स्कूल भी पसंद है। ओके, वी लाइक अवर स्कूल जस्ट एज वी लाइक अवर होम, ईच स्कूल हैज इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी, हर एक स्कूल की खुद की एक क्या होती आइडेंटिटी, मतलब उस स्कूल में वहाँ पे कभी कभी कुछ स्कूल में देखो कि गर्ल स्कूल होती है वहाँ पे, कोई बॉयज स्कूल होती, या वहाँ पे कुछ वहाँ पे उसकी प्रॉपर एक क्या होती है आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी। फाइंड आउट द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस विद द सैम्पल पोस्टर, यहाँ पे सैम्पल पोस्टर दिया गया, यहाँ पे आपको टिक मार्क नहीं तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी स्कूल के बारे में, जैसे नेम ऑफ स्कूल, ईयर ऑफ इस्टेब्लिश, फाउंडर, मोटो, इम्प्लेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, ऐसे आपको क्या करने स्कूल के बारे में बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे आपको सैम्पल पोस्टर में वो क्या करना है लिखना है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, कितने स्कूल में गर्ल्स है और कितने बॉयज है, हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्लासरूम्स, कलर ऑफ यूनिफॉर्म, आप देखोगे तो जैसे मालेगांव में अलग अलग स्कूल का क्या होता है अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, नॉट वर्दी अकम्प्लिशमेंट। ओके, उसके बाद अवार्ड्स रिसीव, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्कूल की क्या कहते हैं यूनिक वहाँ पे आइडेंटिटी बनाती है, हर एक स्कूल की क्या होती है एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया पेज फर्स्ट, अभी देखते हैं पेज सेकेंड। सी द पिक्चर, ये क्या है स्कूल प्लेग्राउंड है और यहाँ पे क्या हम अभी उसके बारे में देखेंगे स्कूल के बारे में। स्कूल इज फॉर एवरीवन, ईच चाइल्ड हैज द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न, हर एक बच्चे का क्या होता है वहाँ पे राइट होता है कि वो स्कूल में जाए और वहाँ पे सीखे, दिस इज कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन, और उसे क्या कहा जाता है राइट टू एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द
राइट टू एजुकेशन एक्ट, और उसे राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 मस्ट गो टू स्कूल एंड कम्प्लीट प्राइमरी एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से हर एक बच्चे को कि जो कौन से एज में 6 and 14, बिटवीन 6 and 14, उसे क्या करना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, मस्ट गो टू स्कूल एंड कम्प्लीट प्राइमरी एजुकेशन। और उसका जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे क्या करना चाहिए, कम्प्लीट ही करना चाहिए। और ये हर एक बच्चे का क्या है, वहाँ पे राइट है, इसे कहा जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन है, मतलब लाइक ब्लाइंड, हैंडीकैप, द अपर एज लिमिट इज 18 years ऑफ एज इंस्टेड ऑफ 14। तो उनके लिए एज बढ़ा दिया, मतलब वो कब तक ये वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, 18 years। जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए क्या है, बिटवीन 6 and 14, तो 14 से वो क्या कर दिया, 18 years वहाँ पे बढ़ा दिया, मतलब 18 years तक वो अपना प्राइमरी एजुकेशन क्या कर सकते, कंप्लीट कर सकते। ये हो गया हमारे स्कूल के बारे में जो राइट्स है बच्चों के लिए, उसके बारे में हमने क्या किया, इसे सीखा। राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट।